हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ एन नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का यूज करके कैसे हम एन नंबर का सम निकाल सकते हैं वो इसमें देखेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले समझना होगा कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो देखिए, दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट होगा, हाउ मेनी नंबर, मतलब कितना नंबर आप चाहते हैं। तो मान लीजिए आप अगर 5 नंबर का चाहते हैं, मतलब कि हमको सम मिले, तो भी मिल जाएगा। आपको पहला नंबर एंटर करना होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और इन सबका नंबर का जो आपका आंसर होगा वो मिल जाएगा हमारे यहाँ पे 322। इस तरह से आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर चाहते हैं, 10 नंबर, 20 नंबर, और उसमें कौन सा नंबर डाला जाता है वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड होगा, जो कि ईजर कहलाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 वेरिएबल में यहाँ पे लूंगा, जो कि होगा हमारा इंट एन, और एक लूंगा यहाँ पे सम, और सम को मैं बाय डिफॉल्ट 0 कर दूंगा, और एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लूंगा मैं, जो कि होगा आई, इसका भी 0। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट काम होने वाला वो है यूजर से इनपुट लेने का। तो स्कैनर स्कैनर इसकल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये पहला काम मेरा हो गया। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट काम होने वाला भैया है कि मैं यहाँ पे एक मैसेज भेजूंगा यूजर को कि वह होगा हमारा सिस्टम आउट ऑन प्रिंटलन। तो वह यहाँ पे लिखेंगे हम इंटर हाउ मेनी नंबर यू वांट टू, तो इंटर हाउ मेनी नंबर यू वांट, ठीक है, क्या सम, आप कितने नंबर का सम चाहते हैं, ये आप करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो वेरिएबल लूंगा एन लिया था उसमें स्टोर करूंगा। तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन, ये मैंने काम कर लिया, स्टोर कर लिया। अब जो मेरा नेक्स्ट काम होगा यह होने वाला है कि आप नंबर को लेंगे, तो यहाँ डाल लेंगे इंटर नंबर्स। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम चलाएंगे व्हाइल लूप, और इसको तब तक चलाएंगे जब तक ही एन होगा, तो एन जो भी डालेंगे यूजर उसके हिसाब से चलेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आऊँगा और साउट करूँगा सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन, और यहाँ डालूंगा इंटर ठीक नंबर्स, इंटर नंबर, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक अलग काम करूँगा, वो होगा हमारा आई प्लस वन का। ये बार बार मतलब ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये पता चले कि कौन वाला हमारा यहाँ पे इनपुट में जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से हमको अटंडम कुछ नंबर प्रिंट होंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक, अब मैं क्या करूँ, इसको स्टोर करूंगा जो कि एरे लिया था मैं, तो एरे फाई लूंगा, और मैं इसको इसलाइन नहीं किया हूँ जो एरे लिया था, तो इसको इसलाइन भी कर देता हूँ यहाँ पे, ये इस कल टू न्यू इन, और इसका फाइल में एन दे देता हूँ, तो हो गया हमारा, क्योंकि मैंने जो एरे को इनिशियलाइज किया था एन, और शायद बनाया नहीं उसको पहले बना देता यहाँ पे इन टी, और इसको बनाएंगे ऐसे, एरे बन गया हमारा। ठीक है, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, अब मेरे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा एरे को, तो ए इसका लूप हो गया हमारा यहाँ पे, होगा स्कैनर डॉट लेफ्ट इंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एरर हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टोर कर दिया, अब मुझे इसको इंक्रीमेंट भी करना होगा ना, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको जोड़ूंगा, एक जो बनाया था सम वेरिएबल नाम का, तो मैं सम बनाया था, सम इक्वल टू होगा हमारा सम प्लस जो भी होगा हमारा सम प्लस ए एफ एरे एफ आई होगा हमारा, तो मैं इसको जोड़ता जाऊँगा लगातार। अब फिर क्या करूँगा, यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करूँगा। ठीक, और फिर जो हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे साउट सिस्टम आउट एंड प्रिंटल, यहाँ पे आऊंगा साउट, और यहाँ पे क्या करूँ, लिख दूंगा डायरेक्ट सम ऑफ एन नंबर इज एन नंबर एज, और सम को प्रिंट कर दूंगा, हो गया। कंट्रोल सेव करूंगा, इसको रन करूंगा, तो आप देखेंगे इसको कैसे मिलेगा आंसर, फिर हम उसके एनालाइज करेंगे कि कैसे इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं कि रन होने के बाद कैसा दिखता है, क्या क्या आता है हमारा। तो आपको यहाँ पे मांगा है इंटर हाउ मेनी नंबर यू वांट टू सम, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, मान लीजिए मैं डाल दिया 6, फिर मांगा इसने पहला नंबर डाली, तो मैंने मान लीजिए डाल दिया 4, दूसरा नंबर 5, तीसरा 3, चौथा 2, अठवा 8, 80 मांग दिया, और छठवा डाल दिया मैंने यहाँ पे 5, तो इसका आंसर हमको मिल गया सम ऑफ नंबर इज 99। कैसे मिला, सबसे पहले इसको एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे आएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बनाया, एन सम और 0, और आई जो होता है स्कैनर क्लास लिया उसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं एक मैसेज प्रिंट किया,
उसके बाद मैंने इसको एम में स्टोर किया, उसके बाद मैंने एक एरे बनाया, और उसके बाद मैंने क्या कि यहाँ पे आया और एक मैसेज प्रिंट किया, उसके बाद मैंने वाई लूप चलाया तब तक चलाया जब तक कि एन है, उसके बाद मैंने क्या कि एक मैसेज प्रिंट किया, ये वाला हर बार इंक्रीमेंट होगा, उसे कोई मतलब मैंने नहीं लिखी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और इस एरे में मैंने सबसे पहले स्टोर किया, और सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब भी किया है और आई को इंक्रीमेंट किया है, और यहाँ पे मैंने क्या कि सबको प्रिंट कर दिया है, बस इतना ही मैंने काम किया है इसमें।